एंड दे आर कंसेंटिंग टू इट कि भले ही पहले का रेजोल्यूशन है तो सबको सेल्फ में ही जाना है, फिर भी इट इज बेटर टू हैव अ न्यू रेजोल्यूशन टू द एंटायर प्रोसेस अगेन, राइट? या इट इज बेटर, इट इज बेटर. आप पूरा भी रेजोल्यूशन है, क्या होता है कि इट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ट्रांसपेरेंसी है एंड मेजोरिटी, अगर इसमें माइनॉरिटी के नॉट स्टॉप, बट इन नियर फ्यूचर अगर वो आपका पूरा ट्रांसपेरेंट वे से किया हुआ है एंड इट वी हैव बीन फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड जो आपको ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आप काम करते हैं, देन देर इज नो हिंड्रेंस. आपको आगे जाके कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा. सो इट इज बेटर कि अगर एक दो महीना आके पीछे ज्यादा ज्यादा टाइम जाए, बट यू फॉलो द प्रोसीजर. दैट इज वाई दिस डायरेक्टिव्स हैव बीन गिवन. सो उसी डायरेक्टिव से आगे आके मतलब पीपल, लोगों के पास क्लैरिटी होगा. अगर कोई मेंबर आगे पीछे कल ड्यूरिंग द टाइम फेज वो अगर वापस कुछ हो जाता है तो अगेन देयर यू हैव सम क्लैरिटी. अगर मैनेजिंग कमिटी के लिए वो बेटर है कि दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर. सो दैट इज बेटर टू गो विद अ न्यू प्रोसीजर रेदर इट इज 100%. जनरली 100% तो हो जाना चाहिए, बट 100% नहीं है तो भी मतलब इट इज दैट की इट इज मैंडेट यू शुड गो दिस, इट इज एडवाइजेबल. या यस ओके सर।